हे गाइस एंड वेलकम टू ऑल इंडिया फुटबॉल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच हुए मैच के बारे में और एटीके मोहन बगान एफसी और ईस्ट बंगाल एससी के कुछ र्यूमर्स के बारे में। सो आज हमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच काफ़ी एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। बेशक मैच 3-3 के स्कोर पे टाई हो गया, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था जिसमें फर्स्ट गोल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए डेशॉन ब्राउन ने स्कोर किया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 3 गोल्स कॉन्टिन्यूसली कंसीड किए। यहाँ पर हमें मुंबई सिटी एफसी की तरफ से अच्छा गेम देखने को मिला। उसके बाद 2 गोल्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए डेशॉन ब्राउन ने स्कोर किया। डेशॉन ब्राउन जो कि इंजरी से वापस आ रहे थे, उनकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। डेशॉन ब्राउन इस सीज़न के सेकेंड हैट्रिक गोल स्कोरर बन चुके हैं ग्रेग स्टुअर्ट के बाद में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हमें खासा कमारा के बिना खेलती हुई दिखी, क्योंकि खासा कमारा को अफ्रीकन कप ऑफ नेशन के लिए बुलाया गया है। ऐसे में डेशॉन ब्राउन का इंजरी से वापस आकर हैट्रिक गोल स्कोर करना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो अपना नेक्स्ट मैच जमशेदपुर एफसी के सामने खेलती हुई दिखेगी, क्या वो अपना काउंटर अटैकिंग फुटबॉल दिखा पाएगी। सो नेक्स्ट अपडेट एटीके मोहन बगान एफसी के टीम से रिलेटेड एक र्यूमर के बारे में है कि रॉय कृष्णा को अफ्रीकन कप ऑफ नेशन के लिए बुलाया गया है। अगर ऐसे में वह अपनी टीम फिजी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो फेरन कोरोनिमास को उन्हें रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट र्यूमर ईस्ट बंगाल एससी के लिए है। यह सुनने में आ रहा है कि उनके कोच मैनोलो डियाज को सैक किया जा सकता है और उनकी जगह पे एल्को शेटोरी को लाया जा सकता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अपने व्यूज को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसे न्यूज, अपडेट्स एंड र्यूमर्स के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।